क्या होगा अगर हम किसी तरह से सागर का सारा पानी एक साथ किसी बड़े पंप से खींच के इसको खाली कर दे? इसमें कितना समय लगेगा? कुछ साल, कुछ सदियां, या फिर हजारों साल? क्या इसके बाद धरती पर जीवन बचेगा? क्या होगा अगर ऐसा एक ही रात में हो जाए? आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। धरती का 70% पानी है, लेकिन ये देखते हैं कि कितना पानी है इस पूरे सागर में। अगर हम सागर का पानी किसी स्विमिंग पूल में भरें तो हमें इतने टूल्स की जरूरत होगी, और अगर हम बास्केटबॉल कोर्ट जितने बड़े पाइप से इसको खींचे तो भी हमें इसमें हजारों साल लग सकते हैं। कारण ये है कि सागर में बिलियंस क्यूबिक किलोमीटर्स पानी है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास कोई ऐसी शक्ति हो जिससे ये काम कुछ मिनट्स में हो सके? अगर ऐसा हो तो स्विमर्स, सेलर्स, क्रूज पैसेंजर्स सबके सब एकदम इससे प्रभावित होंगे और देखते देखते सागर की जमीन पर गिर पड़ेंगे और हमें इनके डेड बॉडीज ही मिलेगी। समुद्र के जहाज भी इसका शिकार होंगे। टाइटैनिक जितने आकार का जहाज 30 सेकंड में सागर की जमीन पर गिरेगा और छोटे टुकड़ों में मिलेगा, और सागर में जितने भी जहाज होंगे उनका यही हाल होगा। समुद्री जीवों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, छोटी मछली से लेकर सागर की बड़ी मछली सबके सब सागर की सूखी जमीन पर तड़पते मिलेंगे। सागर के सभी जीव इसका शिकार होंगे जिनको सागर की सूखी जमीन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बस नहीं, असल मुसीबत तो कुछ और होगी। सागर हम सबके जीवन को दो तरह से सपोर्ट करता है। पहला ये कि ये धरती के तापमान को कंट्रोल करता है। सागर का गर्म पानी उत्तर और दक्षिण को जाता है जिसके कारण तापमान गर्म रहता है। इसके कारण धरती का गर्म हिस्सा बहुत गर्म नहीं होता और ठंडा हिस्सा बहुत ठंडा नहीं होता। दूसरा कारण, सागर का पानी भाप बन के आकाश पर बादल बन जाता है और फिर यही बादल सूखी जमीन को आबाद करते हैं। तो जरा सोचें कि अगर बारिश ही नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगा, और कुछ ही दिनों में हरी भरी धरती एक रेगिस्तान में बदल जाएगी और फिर आपको छतरी की जरूरत कभी नहीं होगी। लेकिन झीलों और नदियों का क्या होगा? जब हमारी धरती का 97% पानी खत्म हो जाएगा तो ये थोड़ा सा पानी कुछ ही समय में हवा में भाप बन जाएगा, और इसके बाद लोग और जानवर सब भी डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे, और कुछ ही दिनों में सारे पेड़ सूख जाएंगे, हवा बिल्कुल सूखी हो जाएगी, और इस कारण जंगलों में आग लग जाएगी, जिसके बाद सारे जंगल राख बन जाएंगे। इस घातक तब्दीली के कारण वातावरण में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, और अगर कोई मानव बचा होगा तो उसके लिए सांस लेना मुश्किल होगा, और फिर धरती का वातावरण वीनस के जैसा हो जाएगा। तो अब कुछ दिन हैं, आप समुंदर के किनारे की सैर कर ले, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आखिर में हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें।